अजब सीधी की गजब कहानी जब ट्रांसफार्मर ने खुद कहा मैं दर्द से मर रहा हूँ। इस पर सीधी आए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल का बयान आया सामने। कहा कांग्रेस सरकार में मिलती थी सभी बिजलियाँ लेकिन अब नहीं मिल पा रही है, ठीक से 4 घंटे भी बिजली नहीं मिल पाती है, जिस पर उन्होंने प्रशासन को घेरा है। आपको बता दें कि ग्राम बरबंधा में लोगों ने विरोध करने का एक नया तरीका खोज निकाला है, जहां पर बिजली विभाग की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर में स्लोगन लिख दिया है, मैं दर्द से मर रहा हूं, लोग अंधेरे में हैं, मुझे जल्द बदलो। इस तरह की स्लोगन लिख कर उन्होंने अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया है। इस पर पूर्व मंत्री और जो कि सियावल क्षेत्र से विधायक है कमलेश्वर पटेल का बयान सामने आ गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि बिजली कटौती लगातार हो रही है, 14 घंटे के बजाय सिर्फ 4 घंटे ही बिजली ठीक से मिल पा रही है। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल। और 10 घंटा खेती किसानी की बिजली भी प्रावधान किया, इसका लाभ मिला। ट्रांसफार्मर जलने पे 7 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर बदलने की नीति बना दी, पर क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। अभी यहाँ पे मंत्री के सामने जब डी को MP भी खड़ा किया गया तो उन्हें खुद जारी किया कि हमें सो काल नोटिस जारी कर दिया गया है। और सो काल नोटिस इसलिए जारी हो रहा है कि आप कटौती नहीं कर रहे हो 14 घंटा बिजली देने का, वो 14 घंटे क्या 4 घंटे बिजली नहीं मिल रही है, ये हो क्या रहा है? और आवाज़ दबाने की कोशिश सत्ता पक्ष के लोग करते हैं, तो कमलेश्वर पटेल सत्ता पक्ष से डरने वाला नहीं है। जनता की आवाज़, जनता की परेशानी को उठाएगा और बुलंदियों के साथ उठाएगा और न्याय दिलाने के लिए सड़क पे भी सदन में भी।